देखिए दोस्तों, आपका भाई जो भी बोलता है करुआ बोलता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इसलिए किसी किसी भाई को अच्छा नहीं लगता है मेरा बात, क्योंकि हमको कमेंट करता है कि तू सारा दुनिया का ठीका ले लिया है क्या, या किसी को अनप सनप बोल देगा। देख भाई, हम किसी को अनप सनप नहीं बोलते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता उसको पेलते हैं। तू क्या बोल रही है? चुप! और तुम अगर कुछ करोगे, जो ऐसे बात हमको मैसेज कर रहा है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे, तुम लोग को पेलने के लिए हम खड़े हैं। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आज किसको पेलेंगे यार, किसको किसको किसको? ठीक, आखिर मिल ही गया, आंखों के सामने आ ही गया, जो आप लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन में। तो गाइस, आपका भाई आज फिर से एक्सपोज करने के लिए आ गया, एक मूवी को लेकर, उसको पेलने के लिए। पहले तो बात मूवी का नाम बता देते हैं, चिंगिस। जी गाइस, सही सुना आपने, चिंगिस मूवी को आज लेकर और बॉलीवुड फिल्म को लेकर, उन दोनों का आखिर कारण क्या है, उसको लेकर आज आपका भाई पेलने वाला है। आखिर तो हम चिंगिस फिल्म को, जो मूवी अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है और स्क्रीन में देख रहे हो, उसको तो नहीं पेलेंगे, लेकिन आज पेलेंगे कुछ बॉलीवुड का अभिनेता है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और अगर उसका फिल्म सुपर हिट हो जाता है उसके बाद अपने आप को क्या समझता है पता नहीं, लेकिन उसको आज आपका भाई पेलने वाला है। और आपका भाई जानते ही होंगे कि जो अच्छा लगता है उसको सम्मान प्यार बहुत सारा देते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको, आखिर तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज कुछ दिन से एक मूवी, बंगाली मूवी का ट्रेलर जो कि बहुत अभी वायरल हो चुका है, और उस मूवी पे है, पहले तो बता देते हैं, उस मूवी को हिंदी में डब्यू किया जाएगा, और उस मूवी में मेन एक्टर जो है हमारे बंगाली सुपरस्टार जीत है, और सुष्मिता चटर्जी है लीड रोल उसका है, और है आपका बहुत सारा अभिनेता है उसमें। लेकिन दोस्तों, चिंगिस मूवी अब आ गया बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए। जी दोस्तों, सही सुना आपने, और बॉलीवुड का फिल्म को, और बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में जो भी है उसको पेलने के लिए आखिर आ ही गया हमारे जीत सर, सुपरस्टार। तो जीत सर को बहुत सारा धन्यवाद कि ऐसा फिल्म देने के लिए। आखिर तो अभी फिल्म नहीं आया है, टीज़र ट्रेलर आया है, और ट्रेलर देखकर ही समझ गए होंगे आप लोग भी, और हम भी समझ गए कि हाँ, इस मूवी में वाकई कुछ धमाका मचाने वाला है। और इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे मीडिया जो कि एक्सपोज किया है इस वीडियो को, कि आखिर इस वीडियो में, इस फिल्म में क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस फिल्म में बहुत सारे जो कि धमाकेदार सीन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, KGF जैसा। बाकी ये KGF का डुप्लीकेट नहीं है, या KGF को देखकर ही बना गया इस मूवी को, नहीं, ऐसा नहीं। KGF का पार्ट अलग है, इस चिंगिस मूवी का पार्ट अलग है, और आपका भाई भी आ गया उस मूवी को एक्सपोज करने के लिए। और चिंगिस मूवी का अभी एक जो कि डायलॉग और एक आवाज़ जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है, कि चिंगिस का आज कल नहीं युग होता है। अरे सच में दोस्तों, युग हो गया चिंगिस फिल्म का। अभी तो फिल्म वो रिलीज नहीं किया गया है, बट हम लोगों को इंतजार है कि कब रिलीज होता है, 21 अप्रैल कब आता है कि हम लोग थिएटर में जाएंगे और उस फिल्म को देखेंगे, और बहुत सारा मज़ा लेने वाले हैं। और उस दिन हमारे सलमान भाई का एक मूवी आ रहा है, जो कि उसको भी देखने वाले हैं, और पता नहीं कौन सा मूवी का नाम है, बट आएगा, और उसका ट्रेलर जब आएगा उसको भी एक्सपोज करेंगे, और आपका भाई जाएगा, मज़ा लेगा, आपको दिखाने वाला है। तो सबसे पहले और एक बात बता देते हैं, और दूसरी ओर के तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग को, जो कि एक चक्कर है हमारे जीत भैया, जो फिल्म स्टार है बंगाल का, एक बार मुंबई गया था काम के चक्कर से फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसको वापस घुमा के भेज दिया गया था कलकत्ता।
तो उस टाइम जीत भैया बहुत उसको दुख मिला था क्योंकि उसको काम नहीं मिला। आज जो जीत भैया अपना बंगाल में सुपरस्टार है, एक नंबर पे है, किस लिए? अपना टैलेंट का वजह से है। जी हाँ दोस्तों, जीत भैया का वाकई टैलेंट बहुत अच्छा है और फिल्म भी वो अच्छे अच्छे फिल्म करता है और उसका चर्चा भी है काफ़ी। अब उसका चर्चा होगा जीत भैया का, बंगाली फिल्म स्टार का पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चर्चा होगा क्योंकि उस फिल्म को एक भाषा में नहीं 5 लैंग्वेज में डब्यू किया गया है। जी दोस्तों, एक भाषा नहीं कि सिर्फ बंगाली भाषा में डब्यू किया जाएगा, लेकिन 5, एक नहीं दो नहीं 5 भाषा, और उसी भाषा से आखिर पहचानेगा हमारे जीत भैया को पूरे वर्ल्ड में और बॉलीवुड फिल्म को पेलने के लिए आ गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री को नीचे गिराने के लिए आ गया चिंगेज जीत भाई। जी दोस्तों, हमारे जीत भाई जो है अभी टक्कर देगा तुम लोगों को, रुको। बहुत सारे हमारे भाई को मतलब कि नीचा दिखाना चाहते थे ना, घुमाकर भेजे थे मुंबई से कि काम नहीं दे रहे थे उनको, एक अच्छा खासा एक्ट्रेस को, अपने भांजा को, भतीजा को, चचेरा लड़का को, अपने बेटी को, बेटा को काम दे देते हो बॉलीवुड में, और बाकी हमारे भारतवर्ष में इतना सारा जो है जो पैसा देकर एक्टिंग करता सीखता है और उसको घुमाकर भेज देते हो। उसके साथ साथ हमारे जीत भाई को भी घुमाकर भेजे थे ना। अब आ गया है आप लोगों के साथ टक्कर देने वाला, और आखिर देखते हैं कि आप लोगों को कितना टक्कर देता है। हम तो जीत भैया के साथ है, देखते हैं जीत भैया कितना कामयाबी हासिल करता है। और पहचानते पहचानते आखिर आ ही गया बॉलीवुड में एक बाप बॉलीवुड का, अरे बॉलीवुड का एक्ट्रेस आप ही लोग को बता रहे हैं। जाकर देखिए उस फिल्म को, एक बार ट्रेलर को देखिए, उसके बाद 21 अप्रैल को देख लेना फिल्म को, क्या किस उस फिल्म में क्या क्या दिखाया गया, कैसा सीन है, और देखकर ही समझ में आएगा आप लोग का क्या सच में आप लोग को टक्कर देने वाला आ ही गया बंगाल से। तो दोस्तों, SGS अपडेट के साथ आपका भाई शंभू एक फिल्म को आज एक्सपोज करते करते कितने बॉलीवुड एक्ट्रेस को आखिर पेल ही दिया, और आखिर क्यों नहीं पेलेंगे यार, आप लोगों को क्यों नहीं पेलेंगे। सच में सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो सबसे फिल्म इंडस्ट्री आपका है, आप लोगों का बॉलीवुड, जो कि बहुत घटिया इंडस्ट्री है। इसीलिए तो आज साउथ का मूवी बहुत चर्चा हो रहा है और बहुत मतलब कि ऊपर उठ गया आप लोग का मूवी से। और आज अभी से एक और हमारे हिंदुस्तान का, एक स्टेट का, राज्य का मूवी और एक लड़का आप लोग को टक्कर देगा और आप लोगों का मूवी से मुकाबला करेगा कि हाँ आपका बॉलीवुड नहीं, हमारे बंगाली टॉलीवुड, उसको भी चर्चा करेंगे और नाम कमाएंगे। बहुत सारे अवार्ड मिलता था ना आप लोगों को, अब उन्हीं हाथों से आप लोगों को देना पड़ेगा हमारे जीत भैया को अवार्ड, क्योंकि जो फिल्म आया है ना ये हमारे बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसका चर्चा हो रहा है, और पूरा हिंदुस्तान का लोग उस फिल्म का ट्रेलर को देखकर ही उसको पसंद किया है। तो आखिर समझो उस फिल्म को कितना पसंद करेगा कि हाँ वाकई इस फिल्म में कुछ धमाकेदार देखने वाला है, देखने वाले हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं, अगर आप मेहनत करते करते ऊंचाई लेवल को अगर छू लेते हो तो उसके बाद घमंड दिखाना नहीं चाहिए। उस कामयाब को हासिल कर लेते हो उसके बाद अपना असली रूप दिखा जाते हो, ये दिखाना नहीं चाहिए। आप लोग जो जिस जगह पर खड़े हो, जिस मुकाम पर खड़े हो आप लोग, हम लोगों के लिए, हम लोग अगर आपका मूवी नहीं देखते तो शायद आप लोग अभी इस जगह पर खड़ा नहीं रहते। तो इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं, एक गरीब घर का लड़का आप लोग को बता रहा है, तो सोचो ऐसा कितना, हमारे जैसा कितना है बताने वाला, लेकिन बता नहीं पाता है। लेकिन हम डन नहीं करते हैं, हम जो भी होगा हम सच दिखाएंगे और सच के लिए लड़ेंगे, सच के लिए आवाज उठाएंगे। आपका भाई शंभू, चाहे वो जो भी हो,
हमारे देश का। और इसके साथ साथ आप लोग को और एक बात बता देते हैं कि उस ट्रेलर को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा हमारे स्क्रीन पर। और आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं इसके स्क्रीन में नहीं देखेंगे वीडियो भैया, इसके वीडियो के माध्यम से नहीं देखेंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो, या गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। लेकिन उस ट्रेलर अगर अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जाकर देखिए उस ट्रेलर को। और आप लोग को पूरे हिंदुस्तानियों को बता रहे हैं कि 21 अप्रैल 2023 जो फिल्म आ रहा है चिंगिस जीत भैया का, उस फिल्म को आखिर एक चक्कर जाकर देखना। आपके एरिया में तो एक थिएटर होगा ही, उस थिएटर में जाकर एक चक्कर देखना, ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि उस फिल्म को जाकर देखना जो कि करोड़ों रुपया खर्च करके उस फिल्म को बनाया गया। हमको तो लगता है KGF 2 को टक्कर देगा इस फिल्म, जो ट्रेलर देखे हैं अभी और आप लोग को दिखाएंगे अभी। रुकिए थोड़ा सा और रुकिए और थोड़ा सा मेरा बात को सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका भाई जो भी बोलता है कड़वा बोलता है, इसलिए किसी किसी भाई को अच्छा नहीं लगता है मेरा बात, क्योंकि हमको कमेंट करता है कि तू सारा दुनिया का ठीका ले लिया है क्या, या किसी को अनप शनप बोल देगा। देख भाई, हम किसी को अनप शनप नहीं बोलते हैं, और जो हमको अच्छा नहीं लगता उसको पेलते हैं। और तुम अगर कुछ करोगे, जो ऐसे बात हमको मैसेज कर रहा है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तुम लोग को पेलने के लिए हम खड़े हैं। और बाकी जो मेरा व्यूअर्स है, मेरा सपोर्ट जो भी करता है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। उन सबको नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए उस वीडियो को दिखाते हैं। और मेरा नाम है शंभू और आप देख रहे हैं शंभू गरीब। आज का प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले उस वीडियो को दिखाते हैं जो ट्रेलर चिंगिस मूवी का जो बहुत वायरल हो रहा है, गूगल में भी बहुत सर्च किया गया उसको, और यूट्यूब में चिंगिस लिखोगे तो पहले चिंगिस ट्रेलर आ जाएगा, कितना सर्च किया गया उसको। तो चलिए उस वीडियो को दिखाते हैं। जो अनजान अपरिचित अभेद को जय करता है, जिसकी ना कोई हदें हैं ना कोई सीमाएं, वो है चिंगिस। चेंगिस का आजकल नहीं होता, चेंगिस का युग होता है, युग एरा। उम्मीद करते हैं आप लोग फुल वीडियो देख लिए होंगे, और फुल वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आप लोग को थैंक्स, बहुत सारे लव यू। और आज का मौसम ठीक है, लेकिन आज धूप भी बहुत कड़वा है, और हम बगीचा आ गए थे वीडियो शूट करने के लिए। आज का वीडियो नहीं, हम ज़्यादातर वीडियो शूट करते हैं एक्सपोज वीडियो बगीचा में आकर ही, क्योंकि बगीचा में जो बात बोलते हैं आप लोग को सुनने के लिए दिखाई देता है, एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आता मेरा वीडियो पर, इसीलिए आते हैं। और हमारे घर के उधर थोड़ा गंजम ज़्यादा होता है, इसीलिए आते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ मेरा भी बगीचा में वीडियो करने का रीज़न यही है कि आप लोग को सच सच दिखा सकूं, और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आए कि आखिर बताना क्या चाहता है। समझते हैं कि मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन अभी मेरा यूट्यूब से इनकम स्टार्ट नहीं हुआ है फ़िलहाल, तो हम यूट्यूब में करियर दे दिए 2 से 2.5 साल, और मेरा अभी बाकी है वॉच टाइम
जो आप लोग कंप्लीट करने वाले हो, तो आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग अगर मेरे वीडियो वॉच टाइम चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करते हो तो आप लोगों के लिए एक ऑफर रहेगा। हाँ, उस ऑफर को भी उसी टाइम हम भी डब्यू करने वाले हैं हिंदी भाषा में। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आपका भाई को प्यार देते रहना और सपोर्ट करना कि आखिर आवाज़ उठा सकूँ, सच के लिए लड़ सकूँ जो भी गलत होता है। और फिलहाल तो आज आए हैं बाइक से, देख सकते हैं अपाची आरटीआर टीवीएस का मेरे पास बाइक है और बाइक से आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। और बगीचा में वीडियो शूट करने का रीज़न यही है कि बहुत अच्छा लगता है वीडियो शूट करने के लिए इधर बगीचा में। और यहाँ से वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम ले लिया आप लोग के पास, और इतना टाइम देने के लिए आप लोग को सॉरी और धन्यवाद, थैंक्स। ऐसे ही आपका भाई को सपोर्ट करना, टाइम देते रहना, कुछ वक्त का टाइम निकाल के दे देना यार। तो मेरा वीडियो अगर कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों। ये हमारा उम्मीद है कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा अगर दया आता है आपका भाई के ऊपर तो। और जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों को बता देते हैं कि जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो अभी तक, करो जल्दी से सब्सक्राइब। इतना मेहनत करता आपका भाई लेकिन फिर भी सब्सक्राइब ना करते हो, तो गाइस सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आपका भाई को सपोर्ट करना, प्यार देना, और आप लोगों के लिए एक नए नए अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। भाई नेक्स्ट देखते हैं किसको पेलते हैं मेरी जान, तो जुड़े रहना मेरे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरी जान।